नमस्कार सुप्रभात, आप देख रहे हैं एवन बिहारी न्यूज, मैं हूं आपके साथ प्रिंस। तो आज हम जानेंगे बिहार की 15 सबसे बड़ी खबरों को। उससे पहले आप हमारे किस जिले से खबरें देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं, साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। बिहार में पीएम आवास योजना का बुरा हाल, पटना में 4152 घरों का काम अधूरा, 227 लोगों को नहीं मिली पहली किस्त। पटना में नए ट्रैफिक नियमों और ई चालान से परेशान लोगों का प्रदर्शन, बाइक का किया दाह संस्कार। नीतीश कुमार ने जताई कम वर्षा पर चिंता, बोले किसानों को मिले डीजल अनुदान और 12 घंटे उपलब्ध हो बिजली। तस्करों ने हांगे कांग से नेपाल पहुंचाए 100 करोड़ का सोना, फ्लाइट में चोरी छिपे लेकर आ रहा भारतीय भी गिरफ्तार। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग, पटना में 150 के छात्र ने जताया विरोध, कारगिल चौक पर किया प्रदर्शन, मणिपुर सरकार का फूका पुतला। सुपौल में सीएसपी संचालक से 1,99,000 लूटे, 3 बाइक सवार 6 अपराधियों ने हथियार के बल पर दिया घटना को अंजाम। लाठीचार्ज से नहीं, हार्ट अटैक से बीजेपी नेता की मौत, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा, भाजपा ने कहा हाई कोर्ट के सिटिंग जज से जांच हो। नीतीश सरकार में मंत्रियों के विभाग बदलेंगे, मंत्रिमंडल विस्तार की अब जल्द होगी घोषणा। चिराग पासवान बोले मंत्री पद पर फैसला पीएम करेंगे, भाजपा से दूरी और करीबी दोनों की वजह है नीतीश। आशा कर्मियों ने पीएससी गेट पर जरा तल्ला, सदर अस्पताल का मुख्य गेट भी बंद अनिश्चित काल धरने पर। बिहार में 2.25 करोड़ लोगों गरीब रेखा से बाहर, सरकार ने कहा राज्य में सबसे तेजी से बढ़ी संपन्नता, 18.13% कम हुई गरीबी। संसद श्री ग्रीवाल पर हुए लाठीचार्ज का मामला पहुंचा लोकसभा, स्पीकर ने स्वीकार किए विशेष अधिकार हनन का नोटिस, बिहार पुलिस की बढ़ सकती है मुश्किलें। तो कैसी लगी हमारी जानकारी हमें कमेंट में जरूर बताएं, साथ इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।